चलिए आज होना है संभवतः टाइप पाँच ही ना, और कोशिश करना है कि आज टोटल टाइप हमें लास्ट भी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि 3 दिन का समय आपको हम नंबर पर दे दिए हैं और मेरे पास मुश्किल से 20 दिन का टाइम है, 1 माह में कुछ शनिवार रविवार भी तो पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करना है कि अभी हम लोग इम्पोर्टेंट पार्ट अभी हमारा बचा हुआ है, नंबर सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे तो टाइप पाँच के अंतर्गत हम पढ़ेंगे 2 तरह का क्वेश्चन है ना, मेनली रूप से शेष निकालना हम सीखेंगे, ठीक है, और शेष की बात अगर करता है तो उसमें सबसे पहले चलिए चलिए बैठिए आराम से रिलैक्स में, हाँ बैठ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाइएगा, हाँ बैठ जाइए ना, का दिक्कत, ऐसे वहाँ पर भी सीट है, खाली ध्यान दीजिएगा कि इधर नहीं बजना है, कुछ रखना भी नहीं उधर है, टच नहीं करना, कोई आवेंगे तो खिड़की से हिला दीजिएगा उधर से। चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो होता है कुछ ही ढंग सा होता है, ध्यान दीजिएगा हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को और समझा भी रहे हैं, किसी संख्या, मान लो किसी संख्या, हाँ लिखो ना, लिखा देते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखोगे ऐसे, इसमें भी है क्वेश्चन लेकिन लिख लीजिएगा, किसी संख्या में, लिखिएगा किसी संख्या में 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, किसी संख्या में 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, यदि यदि उस संख्या में नौ से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए, चलो समझने के लिए क्वेश्चन लिए थे, मान लो यहां पे हम 13 कर देते हैं कि किसी संख्या में 56 से भाग देने पर 13 शेष बचता है, तो उस संख्या में 9 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा, 4। बहुत सारे विद्यार्थी का उत्तर 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, उसने किया क्या कि 13 में 9 से भागा दे दिया 4 आ गया, लेकिन एक बात याद रखना, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देखना जिससे भागा देने के लिए आपसे कहा जा रहा है क्या इसका गुणनखंड है, मतलब क्या इससे ये वाला कटता है, 56 9 से कटता है, नहीं कटता है तो इसका हल करना संभव नहीं है, इसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे, 4 आप बता रहे हैं वो गलत हो जाएगा, इसका उत्तर DI हो जाएगा, संभव नहीं है, बात आ रहा है समझ में, इसको बनाना तभी संभव है जब ये जिससे भागा देने की बात किया है वह इसका गुणनखंड हो, कहने का मतलब इससे ये कटना चाहिए, ये जो 56 है इससे कटना चाहिए। हाँ अगर यहां पे हम क्वेश्चन कर दें कि किसी संख्या में 56 से भाग देने पर 13 शेष बचता है तो उस संख्या में 8 से भागा देंगे तो क्या शेष बचेगा, तो 8 से 56 कट रहा है, अतः बनाया जा सकता है, और मेरा उत्तर होगा है ना ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए, जो शेष बचा है उसी में जिससे भागा देने के लिए कह रहा है भागा दे दोगे और शेष पता कर लोगे, मतलब 13 में ही 8 से भागा देकर जो शेष बच रहा है उसी में जिससे भागा देने के लिए कहा है उससे भागा देकर शेष निकाल लोगे, कितना आएगा आंसर आपका 5। नहीं समझ में आया, हाँ या ना, अरे ना भी समझ में आवे तो हाँ बोलते रहो, ठीक है, ऐसे मेरा कदम आगे बढ़ते रहेगा, हाँ चलिए कोई बात नहीं, क्लियर है यहां तक। अब एक बात और, एक क्वेश्चन में समझ लो, बात में नोट कर लेना, अगर यहां पे होता किसी संख्या में 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, ठीक है, किसी संख्या में 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है तो उस संख्या में 8 से भाग देने पर क्या शेष आएगा, क्या शेष आएगा, तो हमने कहा कि शेष में ही उससे भागा देकर शेष निकाल लेना,
मतलब तीन में ही आठ से भागा देकर शेष निकाल लेंगे, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत क्या लगेगा कि सर तीन में तो आठ से भागा लगभग नहीं करेगा, कैसे शेष निकालें? अरे भाग ना लगेगा तब बढ़िया ही भागा लगा दो, जीरो बार भागा लगा दो, कितना शेष आएगा? नहीं समझ में आया? याद रखना, शेष कहते किसको है? शेष कहते हैं कि जब भाग देते हैं अब भाग लगना बंद हो जाता है, उसी को ना शेष कहते हैं। तो यहां पर भी तुमने क्या किया, तीन में आठ से भागा दे रहा है तो तीन में आठ से भागा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है तो वही शेष हुआ। नहीं समझ में आया? तो यहां पे आपका उत्तर कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है यहां तक बोल दो, किसी को दिक्कत है? लेकिन क्वेश्चन हम यही रहने देते हैं, तेरे रहने देते हैं, ठीक है? तुम लोग में नौ पहले लिखाए थे उसको काट कर आठ, और ये जो था इसको काट कर तेरह बनाकर बना लोगे, ठीक है? क्योंकि उस क्वेश्चन को हम लिखाएंगे नहीं। नहीं समझ में आया? चेक कर लेना है कि इसका ये फैक्टर होना चाहिए, है ना? इसका फैक्टर होना चाहिए, मतलब इससे ही वाला कटना चाहिए, आठ सत्ते छप्पन, तभी हम इसको बना सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोल दो। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन अराइज क्या करेगा कि किसी संख्या में छप्पन से भाग देने पर तेरह शेष बचता है, तेरह शेष बचता है तो उस संख्या के दोगुना में आठ से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेष क्या आएगा? देखो क्वेश्चन यही है, लेकिन इस क्वेश्चन को चेंज कैसे कर सकता है? तो पहले तो कहा कि उस संख्या में आठ से भागा देने पर क्या शेष आएगा, अब वो थोड़ा सा तुतलाएगा, लखराएगा, अब वो बोल जाएगा कि उस संख्या के दुगुना में आठ से भागा देने पर क्या शेष आएगा, उस संख्या के तिगुना में आठ से भागा देने पर क्या शेष आएगा, उस संख्या के वर्ग में आठ से भागा देने पर क्या शेष आएगा, उस संख्या के घन में आठ से भागा देने पर क्या शेष आएगा, ठीक है? अगर ऐसा क्वेश्चन करे तो सेम प्रोसेस अपनाओगे। अगर दुगुना कहा है तो शेष को दुगुना कर लेना, तिगुना कहा है तो शेष को तिगुना कर लेना, वर्ग कहा है तो शेष को वर्ग कर लेना, घन कहा है तो शेष को घन कर लेना, और जिससे भागा देने की बात किया उसे भागा देकर शेष निकाल देना। जैसे ये प्रश्न को हम बनाते हैं, कहता है उस संख्या के दुगुना में आठ से भागा देने पर क्या शेष आएगा, तो उस संख्या में भागा देने पर तेरह शेष बच रहा था ना, अब कहता उस संख्या के दुगुना में तो तेरह का दुगुना कर लो, तेरह दुनी छब्बीस, अब जिससे भागा देने की बात का उसे भागा देकर शेष निकाल दो, आठ से भागा दे दो, आठ तीन चौबीस, कितना शेष आएगा? दो। नहीं समझ में आया? आ गया? तो यही इसमें तीन क्वेश्चन आपसे बनेगा। कोई दिक्कत है तो बोल दो, बना लोगे? नोट करो, इसका नेक्स्ट टाइप देखोगे जल्दी में। नोट करने में पीछे मत रहना, जितना स्पीडली नोट कर सकता है उतना स्पीड में नोट करना। मिटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का होता है, घात वाली संख्या में, है ना, लिखो नहीं या लिखना तो लिख सकते हो, लिखो, घात वाली संख्या में किसी संख्या से भाग देकर शेष निकालना, घात वाली संख्या में किसी संख्या से भाग देकर शेष निकालना। देखो यहां पे इसको भी बहुत सा लेंदी करके, दिक्कत है का? कुछ दिक्कत है तो बोल देना, दिक्कत ना है, समझ आ रहा है ना? ना आवेगा तब भी हाँ हाँ कर लेना है, ठीक है? ऐसे देखो, हम लोग का परंपरा है, जब हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म के बाद जब पहला सेंटेंस मुंह से निकलता है, हाँ, तो नाना नानी नाना नाना, पक्का पहला सेंटेंस नाना निकलता है, नाना नाना, और नाना इतना रट आ जाता है क्योंकि बचपन से आदत लग गया है कि जब कोई परिवार के यहाँ जाते हैं पूरा कसकर भूख भी लगा हुआ होता है, वो पूछता भी है कि खाना खाइएगा तो कि ना, कोई कहता है हाँ ना, कितनों भूख लगा हुआ रहे, और जब खाना कहीं बाई चांस प्रेशर से मिल जाता है तो थाली के थाली, ठीक है, तो क्या करोगे, ये तो है ही। खैर आगे यहां पर देखोगे, घात वाली संख्या में
जब किसी संख्या से भागा देंगे तो शेष कैसे निकालेंगे, है ना। ये क्वेश्चन आपको है, क्वेश्चन 26 से स्टार्ट है, इसे 27 से स्टार्ट है 37 तक, है ना। आपका असाइनमेंट में एक क्वेश्चन हम डाले हैं, लेकिन इसमें तीन ही क्वेश्चन है, ठीक है। अतः हम तीन ही क्वेश्चन को यहां पे जिक्र कर देते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें 25 के पावर कितना है जी, 26 भागा 24 का शेष, ठीक है। देखो चूंकि क्रैश पढ़ा रहे हैं, बार बार हम एक बात को दोहराते हैं, फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत सारी बात को हम गौन कर लेते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हम दे नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन काम लायक बात हम यहाँ पे बोल देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो ये सब क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ बेसिक आउट देते हैं, ठीक है। उसका वक्त नहीं है अभी हमारे पास या आप लोग के पास भी। दूसरा है 2 के पावर कितना है, 100। 2 के पावर 100 भागा 3 का शेष, ये ना है। एक और यहीं पे लिख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन यही बना लेते हैं, 2 के पावर 100 भागा 3 का शेष ना करके यहां पे हम 101 कर लेते हैं, बस यही तीन क्वेश्चन की बात यहां पे होगा, ठीक है। सबसे पहले शेष होता क्या है, थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में हम लोग जान लें। जैसे ये पावर को पहले हटा दो, 25 भागा 24 का शेष कौन कौन लड़का बता सकता है, मतलब 1, 2, 3, 5 लड़का बता सकता है, बाकी इतना में से इतना सारे विद्यार्थी कोई नहीं बता सकता है, कोई बात नहीं। चलिए अब झूठ मत बोलो, अभी हमने पूछा था, कोई नहीं बोला। अगर 25 में 24 से भागा दोगे तो एक बार लगेगा 24, कितना शेष आएगा, एक आएगा ना, यही ना होता है शेष। लेकिन थोड़ा सा और हम यहां पे एक प्रयास करते हैं, 25 में हम 24 से भागा देते हैं, 25 में हम 24 से भागा देते हैं, के बार लगा है, एक बार, हमारा मर्जी है ना, एक बार हम फालतू लगे वो, दो बार, तो 24 × 48 कितना शेष आएगा। तो यहां घटाते हो ना तो ना शेष निकलता है, तो यहां पे घटाओगे तो 48 बड़ा हो गया तो माइनस में आएगा, तो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2, कितना गया -23। अगर शेष की बात करें, है ना, तो शेष ये भी होता है, शेष एक भी होगा और शेष -23 भी होगा, लेकिन रियल में हम लोग हमेशा शेष का मतलब पॉजिटिव से होता है, प्लस वाला से होता है, है ना। बताना होता है तो हम प्लस हम बनाएंगे, लेकिन ये भी गलत नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी टेक्निकल को जरूरत है उसके अनुसार ये भी शेष बचा सकते हैं, बताया समझ में। अब अगर बाय चांस माइनस में शेष आ जाए और हमको प्लस में बताना है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों शेष को जोड़ोगे तो 23 × 1 भाजक आ जाता है, भाजक क्या होता है, आ जाता है। तो कभी भी अगर शेष माइनस में आ जाए, कभी भी शेष माइनस में आ जाए और आपका आवश्यकता है कि ना हमको प्लस में बताना है, तो कुछ नहीं करना, ये भाजक में से इस जो माइनस वाला शेष है उसको घटा देना, अपने आप वो वाला शेष आ जाएगा, बात आई समझ में, बात को समझो, नहीं समझ में आया, मतलब दोनों सही है। अगर कोई कहे कि 8 में अगर हम 5 से भागा देंगे तो क्या शेष आएगा, है ना, तो स्वाभाविक है कोई लड़का बोलेगा कि 3 आएगा, लेकिन कोई लड़का हमारा ऐसा ऐठल होगा बोलेगा कि 5 × 2 = 10 -2 आएगा, नहीं समझ में आया, मतलब 3 भी आएगा -2 भी आएगा, अपनी सुविधा के अनुसार दोनों को हम यूज कर सकेंगे आवश्यकता के अनुसार। और अगर लेकिन बोलेंगे हम प्लस में, बोलेंगे हम प्लस में, तो प्लस में इसको बदलना होगा, तो फौरन 5 में से 2 गया, कितना कर लेंगे, 3, नहीं समझ में आया, ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर हमसे कोई कहे, मिटा दें इसको, हम मिटा दें कि नोट करोगे इसको भी, मिटा लो, देखो नोट करने के चक्कर में मत रहना, दिमाग में बैठाने के चक्कर में रहना, ठीक है। यही चीज हम देखते हैं कभी कभी, तो इतना लेंदी प्रोसेस लोग बताता है कि पता ना लगता है कि हम कोई प्रधानमंत्री की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हाँ जी, नहीं होता है, वोट से होता है, पता नहीं। अब यहां पे देखो, अगर आपसे कोई कह दे 8 × 8 × 8 में अगर हम 7 से भागा दें तो क्या शेष आएगा, यहां से बात को पकड़ना,
अगर कहे आठ गुना आठ गुना आठ में सात से भागा दें तो क्या शेष आएगा, तो क्या कहोगे तुम? आठ गुना आठ चौसठ, चौसठ गुना आठ पांच सौ बारह, पांच सौ बारह में अगर सात से भागा दोगे सत्य उनचास दो दो सत्य इक्कीस, कितना शेष आया एक। और अगर यही रहता, मान लो आठ गुना आठ नहीं रहता, ये रहता अंठावन गुना अंठावन गुना अंठावन, तक कैसे करता पांच सौ बारह? बड़ा डिस होता तो क्या करता? तो देखो वास्तव में, वास्तव में तुमने किया क्या, तो एक साथ गुना करके भागा देगा शेष निकाला, लेकिन यही क्रिया तुम अलग अलग भी करोगे ना तो वो ही आएगा। मतलब आठे में हम सात से भागा दे दिए कितना शेष आया, आठ में हम सात से भागा दिए कितना शेष आया, आठ में हम सात से भागा दिए कितना शेष आया। अब गुना है तो गुना इसको करना दो, कितना आया आंसर? यही ना आया था, नहीं समझ में आया? अब थोड़ा सा और सोचो, आठ गुना आठ गुना आठ के अगर तुम लोग पचवा छठा सतवा का क्लास किया होगा, पता नहीं किया है कि नहीं किया है, लेकिन करवे किया होगा, हंसो नहीं। अब देखो तुम लोग बहुत सारे विद्यार्थी जो डिग्री लिया है, जिससे लोग को पायलट में लोग भरता है फार्म, वो कीन के लेता है, हम झूठ ना बोलते हैं, पक्का सही बोलते हैं, पढ़ता है वो नहीं पढ़ता है, लिया है ना? अरे तना ट्रेड पढ़ता है साहब। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार से सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया तो हम पढ़े लिखे हैं, बस इतने जानते हैं हम, जैसे भी आ जाए। हाँ, अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर तुम घातांक करने पचमा छठा में पढ़ा होगा तो आठ गुना आठ को क्या कहता था? आठ के पावर तीन कहता था, कहता था कि नहीं कहता था? तो यही क्वेश्चन को अगर बदला जाए तो हो जाएगा आठ के पावर तीन भागा सात का शेष होगा कि नहीं होगा? अब बताओ तो सब क्वेश्चन में वही ना था, नहीं था? तो क्या करते हैं हम, आठ में हम सात से भागा देंगे कितना शेष आएगा? एक। आओ, एक के पावर क्या हो जाएगा, ये तीन, मतलब कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। आ गया बात समझ में? तो यही बात तो हम समझा रहे थे आपको, क्लियर है? मतलब ये पूरा चीज हमारा बन गया, अब माइनस प्लस से समझ ही गया है तुम। अब सीधे आओ ये तीनों क्वेश्चन पर, इसको हम रहने देते हैं, भविष्य में है ना कभी काम देगा आपको, है ना? हाँ, ये 25 के पावर कितना था वही लिख देते हैं। अब देखो यहां पे अगर हमें शेष निकालना है, यहां पे हमें शेष निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 25 में हम 24 से भागा देंगे। अब भागो ने देवे आवेगा को पेन खा रहा है, अजीब हालत है। 25 में 24 से भागा दो कितना शेष आएगा, एक। एक के पावर क्या है, कर दो कितना आ गया शेष, क्लियर है? किसी को दिक्कत है? यहां देखो अगर दो के पावर 100 भागा तीन का शेष निकालना है तो पहले तुम दो में भागा दो तीन से, ध्यान दो हम भागा दे रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत है भागा देने में तो दो भागा तीन, दो भागा तीन। आपका भागा देने का दो तरीका होगा, पहला दो में तीन से भागा लगेगा क्या, अभी बताए थे कुछ देरी पहले, दो में तीन से भागा लगेगा नहीं लगेगा, तो शेष क्या होगा, दो होगा, होगा या नहीं होगा? दूसरा ना लगेगा तो हम बढ़िया ही लगा देंगे एक बार, शेष कितना आ जाएगा, दोनों सही है ना अपना स्थान पे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर यहां पे तुम शेष निकालोगे तो यहू वाला शेष ले सकता है, ये भी वाला ले सकता है, माइनस से घबराना नहीं, माइनस को प्लस में करने का तरीका हम जानते हैं, भाजक में से उसको घटा देंगे आ जाएगा। अगर अभी भी हल्का भूलोगे पक्का भूलोगे, कोई डाउट नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। हम ये शेष लेकर निकालते हैं, दो भागा तीन करोगे तो शेष कितना आएगा, दो। दो के पावर क्या हो जाएगा बाबू, सौ। अब बताओ कि दो को सौ बार गुना करना तुम्हारे बस की बात है, नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कल्पना करो, अगर हम ये वाला लेकर बनाते, ये वाला शेष बन जाएगा, तो दो में अगर तीन से भागा दोगे तो शेष कितना आएगा, माइनस एक। माइनस एक आया, माइनस एक के पावर सौ, इन शेष आएगा। अब माइनस एक के पावर सौ करोगे तो क्या होगा, एक होगा, क्योंकि माइनस के पावर सम होता है तो प्लस, अभी सम होता है तो माइनस। खैर एक को तो सौ बार गुना किया जा सकता है, सौ दो सौ जितना बार करना हो एक ही रहेगा। अतः मेरा आंसर निकल आया कि नहीं निकल आया, नहीं समझ में आया तो बोलो ना। तो कहने का मतलब अभी क्या बोले थे कि दोनों शेष होगा, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार इसका यूज करेंगे। यहां पे इसका यूज करना हमारा बस की बात नहीं रहा, हमारा सुविधा नहीं रहा, है ना, कंप्यूटर लाना पड़ता, वो भी फेल हो जाता, तब दो को सौ बार गुना करते हैं,
गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये यूज किए तो बहुत आसानी से बन गया। बताया समझ में? चलो ये वाला नहीं तो हमको कौन सेंस लेना होगा? माइनस सिक्स। किसका फैक्टर कर सकते हैं? अच्छा बाद में बोलना है, अभी मत बोलो, है ना, जो बोलना है तुमको बाद में बोलना। अब यहां पर देखो, यहां पे ये बात आया समझ में, दो में तुम तीन से भागा दिया तो कितना शेष आया? माइनस एक लेके बनाया, एक आ गया। इसमें देखो, इसमें अगर शेष निकालना चाहोगे तो क्या करोगे? दो में तीन से भागा दोगे, कितना आएगा? माइनस एक। कितना आएगा? माइनस एक। माइनस एक के पावर क्या होगा? 101। 101 बार गुना होगा, और 101 विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो माइनस के पावर अगर विषम होगा तो माइनस रहेगा, मतलब आपका आंसर आएगा माइनस एक। क्या आएगा? माइनस एक। सही है, लेकिन क्या उत्तर तुम माइनस में बताओगे? माइनस में बताओगे तो माइनस में अगर आ जाए तो प्लस में करने का नियम अभी हम बताए थे, भाजक में से घटा लेंगे। भाजक ही वाला होता है जिससे तुम भागा दे रहा है। अतः आपका सही उत्तर हो जाएगा 3-1 मतलब 2। आई बात समझ में? नहीं आया? अगर माइनस में आ जाए तो भाजक में से उसको क्या करना है? घटा लेना है। क्लियर? भाजक में से क्या करना है? घटा लेना है। यहां तक किसी को दिक्कत है बोल दो, बस यही तीन को थ्योरी यहां पे काम करेगा। ठीक है, नोट करो। हाँ क्या बोल रहा था तू? सौ का फैक्टर कर रहे। अरे बाबू, ये 512 का फैक्टर है ना, है ये आया यहां से देखो ना। एक मिनट कहला, एक मिनट। 512 तुम कह रहा है कि इसको 4 कर लेते, 4 के पावर 50 कर लेते, करके बताओ तो हमको। नहीं नहीं होगा, वो भी होगा, वो भी तो ऐसे करेगा, वो भी बताएंगे आपको हम, लेकिन यहां पे बताओ कहा नहीं होगा। इसका भी होगा, ठीक है, इसका भी होगा, उसका भी होगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन भी बताना हमको बाकी है, वो भी बताएंगे। ठीक है, पहले तुम लोग इतना बात से सहमत हो या ना हो, भूल चुक ना होगा, हम एक चतुराई आपके साथ किए थे, हम जानबूझकर अपनी सुविधा के लिए वैसा अंक लिए थे जिसका अंतर एक था। यहां भी, यहां भी, यहां भी था या नहीं था? हाँ, तो ये मेरा चतुराई था, लेकिन एग्जाम में कोई आवश्यक थोड़ी है कि अंतर एक ही रहेगा, कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो वो अगर रहेगा, अंतर एक के अलावा रहेगा, तो फिर हम कैसे बनाएंगे उसकी भी बात करते हैं। हो गया तो जल्दी बोलो, मिटाएंगे इसको? ये तीनों में किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। देखो तुम्हारे असाइनमेंट से ये क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है ना, हम लिख देते हैं इसे। क्वेश्चन कहता है 2 के पावर 256 भागा 17 का शेष क्या होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट को समझोगे, कैसा भी क्वेश्चन होगा तो आराम से बन जाएगा, कहीं को दिक्कत नहीं होगा। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अब एक बार बताओ, हमने तो आपको बता दिया कि दो पहले इसमें 2 में 17 से भागा देंगे, तो 2 में अगर तुम 17 से भागा दोगे तो या तो शेष आवेगा 2 या शेष आवेगा -15। 2 भी आवे या -15 भी आवे, दोनों के पावर तुम 256 रखोगे तो तुम्हारी बस की बात नहीं है कैलकुलेशन करना, है तभी संभव है जब अंतर क्या हो, एक हो, मतलब एक शेष बचेगा तो उसके ऊपर कितनों पावर डाल दोगे तो तुम हल कर लोगे, लेकिन इस स्थिति में हल नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, करना क्या, इसको थोड़ा सा बढ़ाना। क्या करेंगे? इतना बढ़ाएंगे कि ये दोनों का अंतर क्या आ जाए? एक आ जाए। ठीक है ना, देखो कैसे बढ़ेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, अगर ये 16 रहता तो 16-17 का अंतर क्या होता? नहीं समझ आया? तो इसको 16 अगर करोगे तो 16 करने के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पावर कितना करना होगा? 4। ठीक है, 16 हो गया कि नहीं हो गया ये? लेकिन जो ही यहां पे 4 लिखा तो 256 अब लिखना यहां पे उचित है, अतः 4 से भागा दो कितना आ जाएगा? 64 यहां लिखना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो आना चाहिए, तब ना दोनों सेम रहेगा। चलिए, तो 2 के पावर इतना भागा 17,
थोड़ा सा और इसको नीचे बढ़ो तो हो गया 16 के पावर 64 भागा 17 का शेष। अब बताओ कि ये क्वेश्चन को बनाया जा सकता है या नहीं जा सकता है? 16 में 17 से भागा तो कितना आ गया? -1। -1 के पावर क्या होगा? 64, मतलब क्या होगा? 1। कोई दिक्कत? कभी कभी ऐसा है? हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि ये 257 रहेगा, मतलब कहने का मतलब पावर आपसे टूटने वाला नहीं रहेगा। ये 32 में क्या है जी? 3 के पावर बताओ तो थोड़ा सा। और 33 में कितना है? 34। हाँ 34, हाँ ठीक 34 देखो। मिटा दें इसको, मिटा देना, नहीं समझ में आया? चलिए देखो, एक 34 क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना। यहां पे कहता है 2 के पावर कितना है जी? 31 है। 2 के पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, है ना? ये क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे बिल्कुल यही क्वेश्चन ये भी है ना, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 2-5 का अंतर तो एक है नहीं, एक लाना है, तो 2 को बढ़ाओ, 2 दूनी 4, 4-5 का अंतर एक होगा। तो जो ही इसको बढ़ाओगे 2 के पावर 2, तो यहाँ पावर में क्या लिखोगे भाई? 2 से तो 31 कट नहीं रहा है। अगर ये 32 देता तब तो यहाँ पे 16 कर देते, काम चल जाता। लेकिन यहाँ पे तो 31 है तो क्या करें? क्या 15.5 लिखें? गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना पार्ट में तुम फिर तोड़ नहीं पाओगे, फिर परेशानी होगी तुम्हारा। तो करोगे क्या भाई? तो ध्यान दो, अगर ऐसा स्थिति आ जाए तो कुछ नहीं करना, एगो 2 निकाल लो, एकरा में से एगो 2 निकाल लो। तो एगो 2 निकालोगे तो 2×2 के पावर 30 हो जाएगा, क्या जी? भागा 5। अब यहां पे आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे, मिटा दें इसको, टेंशन मत लेना, है ना? ज्यादा कुछ ऐसा होगा तो फिर हम भाई प्रोसेस जो है आप लोग का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर वीडियो हम डाल देंगे शेष का। लेकिन अगर उब के बताएं और कुछ समझ ही में नहीं आए तो हमको बताना भी बेकार लगता है, और बाहर जाकर सबसे बड़ा बेकार लगता है कि बाहर जाकर तुम लोग जो गाली बकोगे, नहीं बकोगे, झूठ बोलोगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, है ना? इसको रहने दो अब, क्योंकि 2 को हम निकाल लिए। अब तो इसको तुम बढ़ा सकते हो, 4 कर सकते हो, मतलब 2 के पावर 2 कर सकते हो। तो 2 के पावर 2 ना लिख के सीधे हम 4 लिखते हैं, किसी को आपत्ति है तो बोल देना मुंह पर, ना है? हाँ, तो ये हम वास्तव में लिखे 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 लिखा है तो यहाँ क्या लिखना होगा? तो ना 35 होगा। तो हम ये 2 के पावर 2 ना लिख के 4 लिखे, किसी को दिक्कत ना ना है? मैंने 2 के पावर 30 को 4 के पावर 15 लिखा जा सकता है, मतलब 2 के पावर 2 के पावर 15 लिखा जा सकता है, 15×30 हो जाएगा, 31 नहीं हो रहा था। भागा 5 का शेष, अब शेष तुम निकाल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां शेष लिख देते हैं, निकालते हैं। ये चीज हम बताए थे अभी जस्ट, 8×8× फलना भागा कोई से का शेष क्या होगा? तो अलग अलग भागा देके शेष निकाला था ना, तो अलग अलग भागा देके शेष निकालो। पहले 2 में भागा 2 5 से, कितना शेष आएगा? 2 या -3। तो हम काला लिखे 2 ये लिखते हैं, क्योंकि एक एगो तो है। -3 भी लिखोगे तब भी तुम्हारा उत्तर सही ही आएगा, समझ गया बात को? 2 में 5 से भागा दोगे भाग लगेगा नहीं, ऐसा 2 ही क्या हो जाएगा तुम्हारा शेष। अब ये वाला क्रिया तुम मौखिक कर सकता है, इतना तुम्हारे पास नॉलेज हो चुका है। 4 में भागा दोगे 5 से 1 बार कितना शेष आएगा? -1 के पावर 15 शेष आएगा, नहीं समझ में आया? अब हल करो इसको, तो 2×-1 मतलब -2, क्या शेष तू माइनस में बताएगा? नहीं, अतः भाजक में से -2 को क्या करेगा? घटा लेगा। तो 5 घटा 2 कितना होगा? 3।
बहुत सारे विद्यार्थियों को लगेगा कि अगर माइनस तीन लेते तो क्या मेरा बनता, चले देखने में क्या दिक्कत है, बने चाहे ना बने ट्राई कर ही लेते हैं। अगर इसको तुम माइनस करके चलता, दो में तुम पांच से भागा दो, माइनस तीन यहां भागा दो, एक माइनस एक के पावर पंद्रह, हल करो, माइनस तीन गुना क्या होगा माइनस एक, कितना आएगा तीन, प्लस नहीं आया तो छोड़ देंगे। देखो तो आंसर में कहीं चेंजिंग है क्या, आंसर में कहीं चेंजिंग है? अरे बोलो ना, हाँ नहीं है कोई दिक्कत, मतलब माइनस प्लस लेने से तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आएगा, है ना। अपनी सुविधा के अनुसार कभी प्लस वाला उठाना, कभी माइनस वाला उठाना, कोई दिक्कत। आगे चलो, आगे एक टाइप है शीट, टाइप शीट।